नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ हलना खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एकाएक विकास के कामों में तेजी दिखने लगी है, लेकिन निर्माण इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में हो रहा है कि काम के साथ ही उसकी परतें उधड़ रही हैं। ऐसा ही हाल बरेली के मुझैना संतोष गाँव से समुआ तक की सड़क का है, जो एक छोर से बिछाई जा रही है तो दूसरे सिरे से उधड़ रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर मामला डीएम तक भी पहुंच गया है। मामला नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां मुझैना संतोष से समुआ गांव तक के लिए सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां जो सड़क बिछाई जा रही है उसमें इस्तेमाल सामग्री बेहद घटिया लगाए जाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि कोलतार का तो जैसे उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। सड़क का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर चलते हुए कुछ ग्रामीणों के पैर रगड़ने भर से सड़क उधड़ती दिख रही है। एक व्यक्ति सड़क पर पैर रगड़ता है तो दूसरा कहता है कि अब उखड़ रही है रोड, ये रोड कल बिछी है और आज उखड़ रही है। वो इसकी जांच कराए जाने की भी बात कहते हैं। सही है, सही है, सब उखड़ रही है रोड, कल पड़ी है और आज उखड़ रही है। जांच कराया है इसकी जांच। मुझैना संतोष से समुआ तक जहां ये सड़क बनाई जा रही है, वहां पहले से भी सड़क बनी थी, जिसे अब दोबारा से बनाया जा रहा है, जिसका काम पीडब्ल्यूडी के जरिए कराया जा रहा है।